Hello students, how are you? Today we are doing next question of exercise 5.2. Please open page number 71. Question number 13. Check the divisibility of the following numbers by 6. अब हमने ये numbers जो हैं वो check करने हैं कि ये 6 पे divide होते हैं या नहीं होते. First number is 970. Solution of first part. Here we have 917. Here ones digit of 917 is 7. यहाँ पे इसका ones digit क्या है? 7, which is an odd number. 7 odd number है, तो ये 2 से divide नहीं होता. हमें पता है जो 2 से divide नहीं होता, तो sum of 917 is 17, which is not divisible by 2. So 917 is not divisible by 6. Do second and third part yourself. Next question is 14. Here 14 question is, given that the following numbers are divisible by 6. जो given number है वो multiple of 6 है, तो हमें बताना है ये 6 से divide होते हैं या नहीं. अगर होते हैं तो where a is a digit, what might be the value of a? A की value भी हमें बतानी है. Solution of 14 question is this. Number is given. It is a multiple of 6. Sum of digit. अब ये जो digits दी हुई हैं इन सब का plus कर दिया मैंने, sum कर दिया. Is a multiple of 3. 6 का तो है, अब ये 3 का भी होगा. जो number 6 पे divide होता है तो वो 3 से भी divide हो जाएगा. अब क्या करना है? For 19 plus 7 plus 4 plus 8 we gives it gives 19. 19 plus a must be, it must be a. अब यहाँ पे a आया, ए क्या होगा? या तो 2 या 8. अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 19 plus 2 we get 21, 19 plus 8 we get 27. अब ये क्या आ रहा है? Multiple of 3. तो ए की वैल्यू बतानी थी, ए is equal to 2 और 8. Do the second part yourself. Next question is 15. Check whether the divisibility of the following numbers by 11. ये numbers बताने हैं 11 से divide होते हैं या नहीं होते. First question is 473. We have 473 plus of 473 is, अब इसका passes test क्या होता है? जो first और last number है उनको add करना है, add करके, और जो center का number होगा वो उसमें से subtract हो जाएगा. तो 7 minus 7 we gives, it gives 0. अब यहाँ पे जब हमने ये test pass कर लिया, यानी कि अगर 0 आ गया तो ये हमारा 11 पे डिवाइड हो जाएगा. इट पासिस द डिविजिबिलिटी टेस्ट. ये पास कर रहा है तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है. इसका सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप करना. सिंपल सा मेथड है इसको पास करने का. फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को प्लस करके जो सेंटर की डिजिट है उसमें से माइनस करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16. चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4. अब 4 से डिवाइड होते हैं नहीं होते ये बताना है. इसके लिए भी हमारे पास एक टेस्ट होता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव नंबर इज 638. इट कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 38. अब टेंस 100 या वंस में जो नंबर होगा तो लास्ट में जो प्लस करके आएगा वो देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. 38 इज नॉट, अब यहाँ पे प्लस करके क्या आया? 38. देन 38 इज नॉट अ डिविजिबल बाय 4. सो 638 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. यहाँ पे हम चेक भी करके देख लेते हैं. चेक करके मैंने दिखाया हुआ है, 638 बाय 4 वी गेट दिस. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. डू द सेकंड एंड थर्ड पार्ट योरसेल्फ. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. फर्स्ट पार्ट इज 983A4. सेकेंड पार्ट इज 182711A. वेयर ए इज अ डिजिट, वट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए? हमें ए की पॉसिबल वैल्यूज भी बतानी है. तो इसमें क्या करना है? ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 दिया हुआ है. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. इट्स टेंस एंड यूनिट प्लेस. जैसे इसमें था टेंस और यूनिट प्लेस, क्या आया था? टेंस. इट टेंस एंड यूनिट प्लेस नंबर ए 4. अब यहाँ पे ए 4 मतलब वंस पे क्या है? 4 और टेंस पे ए. ये नंबर देखना है. इट इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4. हमें पता है 4 पे जो अगर ये डिवाइड होगा तो ये मल्टीपल ऑफ 4 भी है. देन ए इज़ आइदर 0,
टू और फोर और सिक्स और एट. अगर अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है अगर वो फोर का मल्टीपल है, या तो ज़ीरो होगी या टू सिक्स फोर और एट. पता है हमें तभी हमारा फोर का मल्टीपल बनता है. देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज ज़ीरो टू फोर सिक्स एंड एट. अब इसका भी सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, अपने आप कर लेना. ऐसे ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.